आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो पहला मॉडल सेट है वो पहला मॉडल सेट डाल दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, पहला मॉडल सेट डाल दिया गया है और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो आंसर लिखकर भी भेजे हैं, लेकिन आंसर लिखकर भेजे हैं लेकिन उनका बहुत सारे जो आंसर है वो गलत आंसर भेज दिए हैं और लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है कि आंसर लिखा कैसे जाएगा, कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा और कितने पेज में आंसर लिखना है और आंसर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए उनको पता नहीं है। तो इसमें पूरा विस्तार से हम बात करेंगे कि आंसर कैसे लिखें, कितना पेज में आंसर होना चाहिए, कैसे आंसर होना चाहिए, ये सब पूरा विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल सेट का क्वेश्चन, अगर देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद वहां पर हम क्वेश्चन भेजते हैं और आप आंसर लिखकर वहां पर भेज सकते हैं, हम चेक करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है और आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप सही लिखे हैं कि क्या किए हैं ये पूरा हम बताएंगे वहां पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे आंसर लिखकर भेजे हैं वो उसमें क्या गलती हुआ है, क्या हुआ है वो बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्वेश्चन कितने लिखे हैं, ये जो उन लोगों का पहला सवाल है कि जो 10 को क्वेश्चन दिया गया उसमें कुल 10 को क्वेश्चन दिया गया जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, दूसरा वाला ये लॉन्ग यानी कि दीर्घ क्वेश्चन, तीसरा भी दीर्घ क्वेश्चन है, चौथा भी दीर्घ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं, ए बी सी करके ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें है कि इसमें 10 को क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है, 5 में जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला वो लिखना अनिवार्य है, यानी कि ये आपको इसका आंसर देना जरूरी है और बाकी जो ये 9 को क्वेश्चन बचेंगे ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 कुल क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको देना आंसर जरूरी है, बाकी कितना बचा 9 को, तो बाकी 9 को में से आपको और 4 को क्वेश्चन के आंसर देना हो क्योंकि कुल कितने क्वेश्चन के आंसर देना है 5 क्वेश्चन का, जिसमें से एक पहला आपने दे दिया क्वेश्चन के आंसर, बाकी इसमें से कितना क्वेश्चन के आंसर लिखना है 4 को क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है, समझ में आ गया होगा हमें लगता है समझ में आ गया, बाकी इसमें से आप 4 को कोई भी क्वेश्चन देखकर लिख सकते हैं लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। अब कितना समय में लिखे, तो देखिए उस पर समय हम दिए हैं कितना 3 घंटा में आपको लिख कर देना है, 3 आवर्स में 3 घंटा में आपको क्या करना है लिखकर वहां पर भेजना है। तो ये बहुत सारे बच्चे ये कर रहे हैं कि 2 को क्वेश्चन लिखकर भेज रहे हैं उसके बाद वहां पर बोल रहे हैं कि हम कुछ देर बाद भेजेंगे, 2 घंटा बाद भेजेंगे, 4 घंटा बाद भेजेंगे, बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि उसको 3 घंटा में लिखकर एक ही साथ सारा क्वेश्चन का आंसर न भेजिएगा, बहुत सारे बच्चे कि 2 क्वेश्चन का आंसर भेज रहे हैं उसके बाद फिर बाद में कुछ देर बाद भेज रहे हैं और 3 क्वेश्चन का आंसर, पहले कीजिए ये कि मॉडल सेट का जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये समझिए कि आप परीक्षा में बैठे हैं और घर पर 3 घंटा जो उसमें समय दिया गया उसमें से जितने भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं उसके आंसर लिखिए उसके बाद भेजिए, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन के आंसर भेज दिए दूसरा क्वेश्चन के आंसर कुछ देर बाद भेजेंगे, दूसरा क्वेश्चन के आंसर भेज दिए तीसरा क्वेश्चन कुछ देर बाद भेजेंगे, ऐसा नहीं, जितना क्वेश्चन आपको लिख कर भेजना है एक ही साथ क्वेश्चन के आंसर भेजिए, यही सही तरीका होता है क्योंकि आपको लिखना एक ही साथ होता है, ये नहीं कि कुछ देर बाद होता है, यही आप लोगों को यही जो समस्याएं एग्जाम में भी आती है, एग्जाम में एक ही बार में सारा क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, आपको पता है ना 3 घंटे में सब क्वेश्चन का जितना इसमें से लिखा होगा उतना क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा, यानी कि परीक्षा में उसमें लिखा रहता है कि आपको इतना क्वेश्चन का आंसर देना है तो उतना क्वेश्चन का आंसर क्या करना पड़ेगा उसी समय एक ही बार में लिखकर जमा करना होता है, एक ही बार में जितने आप क्वेश्चन लिख सकते हो उतना क्वेश्चन का लिखकर जमा करना होता है और समय भी दिया रहता है, ये नहीं कि एक क्वेश्चन इस समय लिखे तो दूसरा क्वेश्चन बाद में, तो ये बात समझिए ये जो क्वेश्चन हम मॉडल सेट भेज रहे हैं इसका आंसर एक ही साथ लिखकर भेजिए। आगे बढ़ते हैं, आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है तो कम से कम 3 से 4 पेज में होना चाहिए, कितना 3 से 4 पेज में, अब कैसे होगा 3 से 4 पेज में, आपको 3 से 4 पेज में आंसर याद होगा, ये आंसर ऐसा कीजिए कि उसको विस्तार से लिखिए, सभी जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक को पूरा विस्तार से लिखिए और हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और फिर से वो सीरीज चालू करेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला दीर्घ उत्तरीय वाला और बहुत सारे हम क्वेश्चन करवा भी दिए हैं जिसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है लॉन्ग वाला का, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे, बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाता है एकदम बड़ा में, वो बहुत अच्छा से हम समझाए हैं और इसका जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का फिर से सीरीज चालू किया जाएगा यानी कि फिर से बताएंगे वो क्वेश्चन,
तो आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। और मुख्य बात है, देखिए मुख्य बात क्या होती है, मान लीजिए हम क्वेश्चन दिए थे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में लिखना था, तो आप मान लीजिए उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा इतना लिख दिए ऊपर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में, उसके बाद सामाजिक जीवन लिखे, सामाजिक जीवन लिखे। तो सामाजिक जीवन में अब लिखना है, तो इसको सामाजिक जीवन को अंडरलाइन कीजिए ऐसे, और उसके बाद सामाजिक जीवन के बारे में लिखना चालू कीजिए। इसको अंडरलाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपको ऐसे अंडरलाइन करना है बस, और उसके बाद में लिखना शुरू करना है। ये जो यही मुख्य बात है कि ये और एक बात कि समय का आप लोग ध्यान रखिएगा, हाँ इतना समय में हमको लिख देना है। उसके बाद पांच नंबर, क्वेश्चन को ना लिखें। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दिए हैं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आपको नहीं सीधे आंसर लिखना होता है, वहां पर लिखकर डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम रिवीजन कैसे करेंगे, मान लीजिए इसका रिवीजन कैसे करेंगे, तो देखिए कीजिए ये ना कि एक अलग कॉपी पर मॉडल सेट एक है, तो मॉडल सेट एक है वो लिख दीजिए कॉपी पर, ठीक है, और उसका मॉडल सेट एक लिखकर और उसका क्वेश्चन एक लाइन से ही लिख दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक अलग कॉपी पर, आंसर तो आप एक अलग कॉपी पर लिख ही रहे हैं, तो जब रिवीजन करना होगा दोनों एक साथ करके रिवीजन कर लीजिए, ये क्वेश्चन है ये आंसर है। ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं होता है वहां पर क्वेश्चन, क्योंकि समय आपका ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, इसलिए आप क्वेश्चन ना लिखें। और छह नंबर है साफ साफ लिखें। ये सभी बच्चे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे साफ साफ लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।